अमेरिका में काउंटिंग जारी है और डोनाल्ड ट्रंप 111 इलेक्टोरल्स में आगे हैं, कमला हैरिस 67 इलेक्टोरल में आगे चल रही हैं। इंडियाना में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, ये बड़ी जानकारी अमेरिका के चुनावी नतीजों को लेकर इस वक्त आ रही। तो इंडियाना में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और जो गैप है वो अभी इस वक्त की बात करें 111 इलेक्टोरल में ट्रंप आ गए हैं, 67 में कमला हैरिस आगे चल रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती रुझान जो आए थे तब से लेकर अभी तक आगे चल रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, ट्रेंड्स हैं, इसको फिक्स होने में, इसको तय होने में अभी वक्त है। हमें देखना होगा कि क्या ये गैप, क्या ये अंतर बरकरार रहता है। जी हाँ, अभी तस्वीर पलट भी सकती है, इस बात के आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये शुरुआती रुझान है अरकानसस से डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन जीत की खबर आ रही है मैसाचुसेट्स, वॉशिंगटन डीसी में कमला हैरिस ने जीत हासिल की है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि ये वो इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं जहां पर जीत हासिल हो गई है, यानी हार और जीत का फैसला हो गया है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनके समर्थक घर से बाहर निकलें और वोट जरूर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप और कमला हैरिस के बीच एक तरह की तकरार देखने को मिल रही है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वोटिंग जरूर करें, उधर कमला हैरिस कह रही हैं कि आप लाइन में हैं तो बने रहें, बरकरार रहें, अपनी आवाज उठाना आपका अधिकार है, वोटिंग में परेशानी हो रही है तो मदद लें। यानी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों का ही जोर इस बात पर नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को घर से बाहर निकाला जाए और उन्हें वोटिंग कराई जाए। और वोटिंग के बीच ट्रंप का नया पोस्ट सामने आया है, अगर आप लाइन में हैं तो वोट दें, ये ट्रंप ने अपने समर्थकों और वोटर से कहा है, अभी जाएं और लाइन में रहें, ये ट्रंप ने कहा है। पोस्ट करके 9 बजे तक खुले रहेंगे मतदान केंद्र। और आइए, ऐसे वक्त में जब कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, अमेरिका को क्या पहली राष्ट्रपति महिला मिलने जा रही है, यह भी एक अहम सवाल है। कमला हैरिस से जुड़े जो विवाद हैं आइए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर प्रवासी संकट से निपटने में वो नाकाम रही, उपराष्ट्रपति के तौर पर नेतृत्व क्षमता और अनुभव पर सवाल उठे, उपराष्ट्रपति कार्यालय के अंदर असहमति और तनाव की खबरें भी आईं जो कि कमला हैरिस के फेवर में जाती हुई नहीं नजर आ रही हैं। गलत सजा पाने वाले कैदियों के मामलों में सही समय पर न्याय ना करने का भी उनके ऊपर आरोप लगा। तो ये बात हो गई कमला हैरिस से जुड़े विवादों की, अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े विवाद क्या हैं, किन विषयों या किन वजहों से वो विवाद में रहे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का विवाद का रिकॉर्ड देखें तो उनके हर चुनावी कैंपेन से विवाद जुड़ा ही रहा है। एक नजर उन विवादों पर, 2016 का चुनाव, जी हां, रूस के साथ मिलकर प्रभावित करने का उनके ऊपर आरोप लगा और ट्रंप पर पोर्न स्टार को चुनाव से पहले चुप रहने के लिए पैसे देने के भी आरोप लगे हैं। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिंसा के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया गया और 2 बार महाभियोग चला, पहली बार 2019 और दूसरी बार 2021 में उनके ऊपर महाभियोग चला। तो ये सारे विवाद हैं। 2016-17 में सिर्फ $750 का टैक्स चुकाया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया और इसको भी लेकर काफी विवादों में, चर्चा में ट्रंप रहे। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े विवादों की एक लंबी फहरिस्त आपके सामने रखी रवि ने। अमेरिकी इतिहास का यह सबसे विवादित चुनाव, 2000 का जो चुनाव रहा वो अमेरिकी इतिहास का सबसे विवादित चुनाव रहा, यानी इससे पहले का जो चुनाव रहा, अल गोर जॉर्ज बुश के बीच फ्लोरिडा में वोटों की गिनती पर विवाद हो गया, इस मामले ने खासा तूल पकड़ा, विवाद की वजह से महीनों तक अनिश्चितता बनी रही, सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाया और बुश को विजेता घोषित किया।
विवाद से अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठे। पूरा का पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस था उस पर कई गंभीर सवाल उठे और उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। रवि,